जी मैम, कहाँ से आए हो आप? करनाल से। तो आपने ये वेट लूज का जो न्यूट्रिशन लिया, आपको ले पहले आपने वेट लूज कर लिया था तो मतलब फिर बढ़ गया जी। वो कैसे बढ़े आप एक बार जरूर बताओ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो वेट लूज तो कर लेती हैं उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है, एक बार उसके बारे में आप बता दो। मेरा वेट लूज करने के बाद मैंने डाइटिंग छोड़ दी। अच्छा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कम होगी तो अपने आप तो इस वजह से हो जाता है। अगर हम वेट लूज कर रहे हैं तो उस टाइम हम डाइट बिल्कुल बिल्कुल ये वो कर देते, रोटी भी नहीं खानी, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, लेकिन जिस दिन से हम रोटी स्टार्ट करते हैं फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ? और वीकनेस वगैरह कैसी, मतलब जो आपका मन ही नहीं करता डाइटिंग करने का, हिम्मत ही नहीं हो रही ना डाइटिंग करने का, करता हुआ ना वर्कआउट करने का। हाँ, तो हमने मैम को एक स्लिम फिट दिया है और एक फिगर वन दिया है, और ये आरएसपी का फैट बर्नर और ये प्रोटीन है। अब ये बोलोगे आप ये चीज वेट लूज करेंगी और जो एक्स्ट्रा इंचीज होंगे उसको कम करेंगी, और जो ये प्रोटीन है ये रिकवरी करेगा, इसकी क्यों जरूरत है? जैसे आप करते हो अभी वीकनेस आ जाती होगी बॉडी में, तो इसके लिए अगर वीकनेस नहीं लेनी हमें और वर्कआउट लंबे टाइम के लिए करना, अगर हम वर्कआउट लंबा टाइम करेंगे तो ऑटोमेटिक वीकनेस आनी बंद हो जाएगी और ये प्रोटीन लेके आप रिकवरी कर सकते हो। अच्छा, आप एक दो प्रॉब्लम और बता रहे थे, जो आपका ये जो लेग्स का फैट था, ये एक बार इसके लिए कोई भी वर्कआउट वगैरह आप करते हो या नहीं करते हो फिलहाल? फिलहाल तो नहीं करते। तो एक तो देखो, पहले आप ये जंपिंग किया करो, पहले ये जंपिंग किया करो, पहले एक बार करके देखो, एक बार थोड़ी थोड़ी हो जाएगी मेरे हिसाब से ऊपर। हाँ, ऐसे ये मैं वेट लूज के लिए बता रहा हूँ, जैसे पहले हम ये कर सकते हो, फिर ये कर सकते हो आप, ये जंपिंग में आ जाते हैं। पहले इसके आपने चार सेट मारने हैं, फिर इसके चार सेट मारने हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद में आपने लेग्स का वर्कआउट करना है। ये बैठ जाना, ये एक बार ट्राई करके देखना, आगे ना जाओ थोड़ी। हाँ, ये देखो आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आपने कुर्सी पे बैठना है, मतलब पीछे बैठना। आप क्या करते हो, घुटने को आगे लेके आते हो, इनमें पेन भी हो जाएगा, कट वगैरह बोले हो जाता है ना। एक बार आप इस पे बैठ के देखो, आराम से बैठा जाएगा आपसे। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ देखो, अब नहीं दर्द होया हुआ, ये लगाओ एक बार, 15 का, 2, 3, 4, 5, 6, ये घुटने की कोशिश किया करो, ये घुटने इससे पीछे रहनी चाहिए हमारे, ये पीछे। हाँ, तो आप ये वर्कआउट जो मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये दो तीन वर्कआउट बताए हैं, पहले हमने ये बताया है, उसके बाद में ये बताया है, और उसके बाद में आपने ये बताया है। ये आपने डेली नहीं करना है, एक दिन छोड़े एक दिन करना है। जैसे आपने पहले ये मारना है, पहले ये मारी जैसे 15 का, इसमें क्या ध्यान रखना है, ये कमर है जो टाइट होनी चाहिए और ऊपर देखना हमने, ये कमर टाइट होने के बाद आराम से ये बैठ सकते हो, जो ये घुटने हैं ये इससे आगे नहीं जाने चाहिए। जैसे हम कुर्सी पे ऐसे ये नहीं बैठते, ये बैठना हमने, ये आराम आराम से, या किसी चीज की हेल्प लेके आप आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? हाँ, और इसी में जैसे आपने ये लगाया इसी के साथ जो ये फैट होता है एक्स का, तो आप ये कर सकते हो, ट्राई करके देखने को ना, ये 1, 2, 3। ये वर्कआउट कोई भी कर सकता है जो घर में लेडीज हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई जो जिम में जा पाते, तो आप ये वर्कआउट ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। और ये जो मैं ये बता रहा हूँ न्यूट्रिशन, ये मेरे हिसाब से अभी एक भाई दिल्ली पुलिस वाला था, उसका 12 kg वजन लूज हुआ था, तो 15 kg का कम से कम हम टारगेट रखते हैं, और अच्छी चीज देंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो अगली बार अपने आप ऑटोमेटिक लोग हमारे पास आ जाएंगे। ये है या फिर ये हो रहा है, ये वो दिखा दो आप, इसमें आप क्या मिस्टेक करते हो मैं वो बताऊंगा आपको। चलो, ये देखो, ये घुटना है ना जो, ये इससे आगे नहीं आना चाहिए आपको, ये आपने करते क्या हुआ, आप ये ज्यादा आगे चले जाते हो, पीछे बैठना है कमर टाइट रखे। हाँ, ऐसे किसी चीज की हेल्प ले लिया, या फिर ये इसको यहाँ पे लगा लिया ऊपर हाथों। हाँ, ये आराम आराम से सीख जाओगे आप, क्योंकि ये जो एक बार जो कम हो गया ना, फिर बढ़ेगा नहीं ये वर्कआउट करने के बाद, और घर तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, वैसे भी आप इतने मोटिवेट हो, आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से, लेकिन चाय बंद करनी पड़ेगी आपने, चाय जरूरी है, चाय बंद होगी तो ऑटोमेटिक वेट अपने आप लूज, क्योंकि चाय से क्या होता है, ये पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, ठीक है?
या फिर ये इसमें ऐड कर सकते हो, ये भी इसी में आ जाती है, ये ठीक है, ये नहीं कर सकते तो ये करिए। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्कआउट है जो मैं वीडियो के जरिए यूट्यूब पे बता देता हूँ, आप लेट्स एक वीडियो बना के थाई के लिए, लेट्स के लिए वो डाल दूँ। हाँ मैं लेट्स के लिए बिल्कुल आया, मैं आपको वैसे पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। अच्छा इसका लेने का तरीका बता देता हूँ, जो बहुत सारी लेडीज है ये जो मंगवाते लेते हैं हमारे पास ऑनलाइन से, लेकिन उनको ये नहीं पता इनको लेनी कैसे है। ये जो स्लिम फिट है, अगर आप वर्कआउट करते हो या ना करते हो इसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस जो अगर सुबह करते हो तो सुबह भी लेनी है, नहीं करते हो तो तब भी लेनी है। ये वर्कआउट नहीं करोगे तब भी आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अब एक आधी लेडी सोचती होगी जो लालची होती है, अब वर्कआउट के बगैर ही काम चल जाएगा तो जरूरी थोड़ी हमने, मैम वर्कआउट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो है ये वर्कआउट, अगर आपका वर्कआउट अच्छा होता है तो आप इसको ये लगा लो मेरे हिसाब से।